हेलो गाइस, सो वी आर चलते टेक में आपका स्वागत है एंड वेलकम टू डेली टेक न्यूज़ हैशटैग 105 जो भी बोलो। एनीवेज दोस्तों, आज थोड़ी क्विक में होगी क्योंकि आज ज़्यादा ही लेट हो गया है। तो एनीवेज दोस्तों, आज भी आपके लिए गर्मा गर्म टेक न्यूज़ लेके आया हूँ एज यूजुअल। वीडियो पसंद करो तो लाइक करना। अब चलिए फटाफट से आज के टेक न्यूज़ शुरू करेंगे। उससे पहले अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बजाइए, ऑल कीजिए ताकि मेरे वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो पहले घर की बात करेंगे, शुरुआत करेंगे दोस्तों यहाँ पर वन प्लस और सैमसंग से। जी हाँ दोस्तों, अभी ऐसा बताया जा रहा है कि उन दोनों कंपनीज ने ही कहा, लीक नहीं है ये कोई। तो दोस्तों वन प्लस और सैमसंग, जी हाँ, ये दोनों के जो टीवी है वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होंगे, मतलब इंडिया में ही वो सब बनेंगे। पार्ट्स का मुझे नहीं पता, लेकिन वो सब इंडिया में ही बनेंगे जो अपकमिंग टीवीज है, मतलब जो 2 जुलाई को आ रहे हैं वो शायद इंडिया में ही बन रहा हो। देखते हैं आएगा, 2 जुलाई दूर नहीं है, थोड़े दिनों में मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। चलिए दोस्तों, का अगले खबर की ओर वाणी यहाँ पर दोस्तों सैमसंग की तरफ से। दोस्तों आपको तो पता ही होगा, मैंने 2-3 दिन पहले कहा था कि भाई सैमसंग M41, जी हाँ, ये स्मार्टफोन का कुछ लीक्स वगैरह आया था। अब ऐसा कहा जा रहा है कि वो फ़ोन को सैमसंग कैंसिल करने वाला है और M51 को उसकी जगह पे लाने वाला है, और ये इसी महीने के एंड में आ जाएगा ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। इस महीने के एंड या फिर जुलाई के फर्स्ट या फिर सेकेंड वीक में तो आ ही जाएगा, सेकेंड वीक से ज़्यादा नहीं होगा आएगा, मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। अब यार ये थोड़ा अजीब है क्योंकि यार M30S आया, उसका सक्सेसर M31, बाद में M30S M31, तो ऐसे ही होना चाहिए ना, M40 M41 M41, मतलब बाद में जो भी हो। तो M41 तो आया नहीं, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन अगर मैं इंटरनल सोर्स की बात करूँ तो M51 ही आएगा, उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। लगे हाथों दोस्तों, आज सैमसंग ने इंडिया में लॉन्च कर दिया अपना A21S। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि भाई सैमसंग के फ़ोन से कोई उम्मीद मत रखो, एटलीस्ट 20,000 के अंदर के फ़ोन में तो बिल्कुल भी मत रखो, पता ही उम्मीद मत रखो ही नहीं। जी हाँ, भूल जाओ उन फ़ोन्स को, ऐसे ही रखोगे भाई, लॉन्च ही नहीं हुए। क्योंकि आज भी वही कर दिया उन्होंने, 17,000 का फ़ोन निकाला है, HD+ का डिस्प्ले दिया है, प्रोसेसर 6,000 का फ़ोन का प्रोसेसर निकाल कर डाल दिया है, कितने 17,000 के फ़ोन में। अब मैं क्या बोलूँ अभी, मतलब सैमसंग के फ़ोन से आप उम्मीद मत रखो, ऐसा ही रखो कि भाई लॉन्च ही नहीं हो रहा, आगे बढ़ते चलो बस, और कुछ मुझे नहीं बोलना A21S के बारे में। अगर आपको ख़रीदना है, अगर आपका इतना 1% भी है कि भाई आपको ये फ़ोन ख़रीदना है, वो भी मारो, मतलब मत लो यार, ये फ़ोन कुछ काम का ही नहीं है। क्यों 17,000 में HD+ की डिस्प्ले लोगे, प्रोसेसर वैसा लोगे जो कि 6,000 के फ़ोन में आपको मिलेगा, मत लो। सच है, बहुत सारे Poco X2 है, मोटो का OnePlus Fusion है, बहुत सारे फ़ोन है, Realme 6 Pro है, काफ़ी सारे फ़ोन है जिसको आप खरीद सकते हो। जी हाँ, A21 है, इसको तो मैं कहूँगा इग्नोर ही करना, मतलब देखो भी नहीं, उसके सामने मत देखो। चलिए दोस्तों, का अगला खबर क्या होगा यहाँ पर दोस्तों, Snapdragon, जी हाँ, Qualcomm Snapdragon, इन्होंने दोस्तों अपना एक चीपेस्ट या फिर बजट तो नहीं, मिड रेंज दोस्तों 5G फ़ोन निकाल दिया है, 5G फ़ोन नहीं, 5G प्रोसेसर निकाल दिया है। जी हाँ, मैंने आपको तो कल के टेक न्यूज़ में कहा था कि भाई आज वो लोग लॉन्च करने वाले हैं, और उन्होंने कर दिया Snapdragon 695G। जी हाँ, अब 5G तो इंडिया में है नहीं, लेकिन फिर भी प्रोसेसर्स आते जा रहे हैं। देखते हैं कौन पहले इसमें बाजी मारता है, रियलमी, शाओमी, सैमसंग, मतलब कौन मारता है, वो हमें जब ये प्रोसेसर जब वो लोग डाल देंगे तब हमें पता चलेगा। मेरे ख्याल से तो रियलमी हर बार बाजी मारता है, इस बार भी लेके जाएगा रियलमी ही। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। वैसे इसमें आपको दोस्तों 675 का ये सक्सेसर है, तो इतनी उम्मीदें मत रखो कि भाई 765G जितना पावरफुल होगा, वैसा तो कुछ नहीं है। 6 सीरीज़ का एक 5G प्रोसेसर है, इतना है कि भाई हाँ 5G है वो, तो और काफ़ी पावरफुल भी है। 40-50% उसमें आपका क्लॉक स्पीड जो है वो बढ़ा है, गीगाहर्ट्ज़ भी 2-3% बढ़े हैं, और परफॉर्मेंस आपको 50% बेटर मिलेगी अगर मैं उसको 675 स्नैपड्रैगन का जो नॉर्मल है उससे मैं अगर कंपेयर करता हूँ। और इसमें आपको 192 मेगापिक्सल कैमरे का सपोर्ट मिलेगा, 120Hz का रिफ्रेश रेट तक का डिस्प्ले का सपोर्ट, Full HD+ IPS डिस्प्ले का, एमुलेट नहीं, जी हाँ, तो एमुलेट डिस्प्ले अगर ये कोई फ़ोन आता है
तो समझ जाना कि इसमें एमोलेड नहीं होगा क्योंकि ये प्रोसेसर ही सपोर्ट नहीं करता डिस्प्ले को। तो हाँ, अब ये प्रोसेसर काफ़ी तगड़ा है, देखते हैं रियलमी आके बाजी मारता है या शाओमी इस बार बाजी मारता है, वो हमें जब ये आएगा तब हमें पता चलेगा। चलिए दोस्तों, कल अगले खबर के और यहाँ पर दोस्तों, यार पोको बहुत अजीब है, सारे ब्रांड्स को ट्रॉल करता रहता है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि भाई आप पोको X2 को लेना पसंद करो या फिर रियलमी X3 को, जो कि अभी लॉन्च भी नहीं हुआ। और उन्होंने कहा कि 120 हर्ट्ज का स्मूथ पैनल या फिर X3 का ग्रीड पैनल, मतलब क्यों ट्रोल किया, मतलब यार रियलमी ने कुछ बोला भी नहीं है और पोको वाले चालू हो गए उसको मतलब ट्रोल करने के लिए। पता नहीं, ये मनमोहन भैया ऐसे ही है, मतलब पोको के जो CEO है वो ऐसे ही है, मस्ती मतलब सारी ब्रांड्स की उड़ाते रहते हैं। लेकिन रियलमी अब देखते हैं क्या जवाब देता है, कल मज़ा आएगा, कल की टेक न्यूज़ देखना, देखते हैं क्या जवाब देता है रियलमी, वो हमें थोड़े टाइम में ही पता चलेगा। मतलब यार फ़ोन लॉन्च हुआ नहीं कि पोको वाले चालू हो गए कि भाई X3 का ये पैनल, इसका वो, इसका ये, पता नहीं क्या करते हैं, देखते हैं रियलमी का जवाब क्या आता है। चलिए दोस्तों, आज का देखने खबर की और हमारे यहाँ पर दोस्तों टेक्नो की तरफ से। जी हाँ, अगर आपको पता नहीं तो टेक्नो भी एक ब्रांड है, छोटी मोटी ब्रांड है लेकिन काफ़ी ठीक ठाक फ़ोन निकाल लेती है, जैसे इन्फिनिक्स है वैसे ही। लेकिन इन्फिनिक्स ने फिलहाल काफ़ी ऊपर तक काम कर लिया है जबकि टेक्नो थोड़ा नीचे है, थोड़ा नहीं ज़्यादा नीचे है। तो सर इसने आज दोस्तों टेक्नो स्पार्क 2 Power 2, जी हाँ ये आज इंडिया में लॉन्च कर दिया है। और इसकी डिस्प्ले 7 इंच की डिस्प्ले, मतलब कितना लंबा डिस्प्ले है, और साथ में वी नॉच भी है, मतलब वही नॉच वाला डिस्प्ले आपको मिलता है पुराने स्टाइल जैसे आपको रेगुलर फ़ोन्स में मिलता था 2019 में, वैसा ही है। 6000 mAh की इतनी बड़ी बैटरी और प्राइस कुछ 9500 तक का है। 6000 mAh की बड़ी बैटरी, बड़ा डिस्प्ले, HD+ का है बाय द वे, लेकिन स्टिल, लेकिन एज़ यूजुअल टेक्नो और इन्फिनिक्स ऐसा ही करते हैं, और शायद मतलब और सैमसंग भी वैसा ही करता है कि प्रोसेसर एकदम घटिया दे देता है, जैसे हीलियो P22 दिया है टेक्नो के स्पार्क पावर 2 में। पता नहीं प्रोसेसर कब नया लाएंगे, देखते कभी ला दे लाइक मोटरोला। जी हाँ, मोटरोला ने तो भाई गजब ही कर दिया, जैसे मैंने कल आपको कहा था कि वेस्ट से सुनाया है, वैसे वो मजाक था, लेकिन एनीवेज दोस्तों मोटरोला जैसा काम आप भी करो, अभी जो उन्होंने फ़ोन लॉन्च किया तो आप भी ऊपर ज़रूर आओगे। चलिए दोस्तों, का अगला खबर के हमारे यहाँ पर दोस्तों शाओमी की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, मी स्टिक, जी हाँ मी स्टिक, मतलब वो जो आपको तो पता ही है अमेज़ॉन का फायर टीवी स्टिक है वो दोस्तों, मतलब अमेज़ॉन नेटफ्लिक्स वो सब आप देख सकते हो उसके थ्रू, तो उसको टक्कर देने के लिए दोस्तों शाओमी अपना मी स्टिक ला रहा है इंडिया में, और जल्दी आएगा क्योंकि ये BIS सर्टिफिकेशन पर लिस्ट हो चुका है और ब्लूटूथ सर्टिफिकेशन भी इसने पार कर दिया है, अब वो BIS पे है, तो आएगा जल्द ही, उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। लगे आता है दोस्तों K40, जी हाँ ऐसा बताया जा रहा है कि जो रेडमी K30 5G एडिशन चाइना में जो गया था वही सेम रीब्रांड होकर इंडिया में आएगा, और शायद पोको ही उसको वापस रीब्रांड करके दे देगा, क्योंकि पोको यही करता है, रेडमी का फ़ोन लिया, पोको लगाया, हो गया काम, लॉन्च कर दिया, पता नहीं क्यों ऐसे करते हैं, लेकिन देखते हैं पोको क्या करता है, या फिर रेडमी वाले ही K40 ला दे, ये तो मैं आपको जब ये आएगा तभी बता दूंगा। आज की दोस्तों सबसे बड़ी खबर की बात करें तो वो आ रही यहाँ पर दोस्तों रियलमी की तरफ से। जी हाँ, रियलमी X3 सीरीज की दोस्तों लॉन्च डेट फाइनली रिवील्ड हो चुकी है, 25 जून को ये लॉन्च हो रहा है इंडिया में दोपहर के 12:30 बजे। अगर आपको इवेंट देखना है तो आप देख सकते हो रियलमी के इंडिया, मतलब जो उनका चैनल है उस पर है। तो एनीवेज दोस्तों ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है, और फाइनली कंफर्म हो चुका है कि भाई दो फ़ोन आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने लिखा है X3 सीरीज, अभी सीरीज एक फ़ोन तो नहीं होगा। जी हाँ, तो X3 भी आ रहा है और X3 सुपर जूम भी आ रहा है, मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। अब देखते हैं 25 जून को सारी जानकारी मिल जाएगी, और साथ में उनके वो रियलमी बर्ड्स क्यू के दोस्तों सिर्फ एक नहीं, अरे यार कैसा नाम रखते हैं, एनीवेज रियलमी बर्ड्स क्यू, जी हाँ ये जो बर्ड्स है उसके और दो कलर आने वाले हैं, ब्लैक, येलो और वाइट। जी हाँ, और काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग कलर ऑप्शन है, देखते हैं आएगा। और ऐसा कहा जा रहा है कि अंडर 2K होगा, मतलब 2000 होगा, और रेडमी ईयरबड्स एस को टक्कर भी देगा। रियलमी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है रेडमी को पीछे डालने के लिए, लेकिन रेडमी भी कम नहीं है, कुछ ना कुछ धमाका कर देगा। अब देखते हैं आएगा तब देखेंगे 25 जून को
सब कुछ उसके बारे में बता दूंगा। अब यार एक ही, अब दो डाउट है। जी हाँ, X3 सुपर जूम तो वही है जो बाहर गया था, मतलब इंडोनेशिया, चाइना में तो अभी तक नहीं गया, पता नहीं क्यों, बट इंडोनेशिया वगैरह में गए हैं। तो ये ही फ़ोन रियलमी X3 सुपर जूम है, लेकिन एक अकेला फ़ोन X3 जो सिर्फ इंडिया में आ रहा है, अब मतलब बाहर कभी कोई X3 नाम का फ़ोन गया ही नहीं है। जी हाँ, X3 अकेला इधर आ रहा है। जी हाँ, तो प्रोसेसर कौन सा होगा, और मैं सिर्फ दो चीज़ों के लिए एक्साइटेड हूँ कि भाई प्रोसेसर कौन सा होगा और प्राइस तो ऑब्वियसली कौन क्या होगी, वो तो हमें 25 तारीख से पहले तो पता नहीं चलेगी, तभी पता चल जाएगा, मैं तभी आपको सब बता दूंगा। लेकिन दोस्तों रियलमी का फाइनली आ रहा है 25 जून को। जी हाँ, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स करेंगे लॉन्च, देखेंगे, उसके बारे में मैं आपको 25 जून को ही बता दूंगा। चलिए दोस्तों, आज का अगला खबर की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों विंडोज़ की तरफ से, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से दोस्तों विंडोज़ 11, जी हाँ, इसकी लॉन्च डेट आ चुकी है, करीब जुलाई के एंड में लॉन्च हो सकता है, अब ऐसा कहा जा रहा है, मतलब उन्होंने कहा कि आफ्टर अ मंथ, तो मतलब भाई जुलाई के आसपास लॉन्च हो सकता है। आफ्टर अ मंथ मतलब अभी ये एंडिंग टाइप नहीं है, मिड पे है, तो मिड जुलाई में शायद ये आ जाएगा। अभी किसी ने उनको पूछा कि भाई विंडोज़ 10 तो आ गया, इतना देर हो गया मतलब चलते चलते, अभी विंडोज़ 11 का क्या, तो उन्होंने कहा आएगा, जल्दी आएगा और बस आएगा, ऐसा उन्होंने कहा, मतलब विद इन अ मंथ, तो बस मिड जुलाई तक आ जाएगा, उसके बारे में मैं आपको सब बता दूंगा। क्या आपको पता है कि दोस्तों जो आपका लैपटॉप है, जी हाँ, उसको उसकी जो बैटरी है, आप उसको सिर्फ 80% चार्ज करो। याद करो, आपको मैंने एक वीडियो में बताया था कि भाई ज़्यादा 100 तक चार्ज मत करो फ़ोन को, जी हाँ, वैसे ही लैपटॉप को। जी हाँ, अगर आप अपने लैपटॉप को 80% चार्ज करोगे तो वो आपको 100% से भी ज़्यादा, मतलब जब 100% होगा उससे भी ज़्यादा 80% में बैकअप मिलेगा। काफ़ी अजीब है लेकिन एक फैक्ट है जो आपको मानना पड़ेगा। सेम चीज़ मैं आपको फ़ोन में बोलता था, लेकिन ऐसा नहीं बोलता था कि बैकअप ज़्यादा मिलेगा, लेकिन ऐसा बोलता था कि भाई 100 तक मत करो फ़ोन को, क्योंकि उसको भी मतलब बाद में हीटिंग हो जाती है बैटरी में। 100 तक मत करो कभी भी अपने फ़ोन को, 80 से लेकर 20, ये जो एकदम ईजी तरीका है अपने फ़ोन को चार्ज करने का, 20 हो गया तो चार्ज में लगाओ, 80 हो गया ख़त्म, निकाल दो। तो आज के टेक न्यूज़ यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, उम्मीद करता हूँ आपको आज के टेक न्यूज़ पसंद आएगी, पसंद आई लाइक करना। तो दोस्तों ऐसे ही आपके लिए टेक न्यूज़ लाता रहूँगा, आप लोगों को ऐसे अपडेट करता रहूँगा, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में के साथ। यार मेरा ये जो डायलॉग है, काफ़ी लोग पूछते हैं क्या बोलते हो आप, क्या बोलते हो लास्ट में, मतलब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। चलो बाय।